खबर के प्रायोजक है गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। ऑनलाइन दवाओं की बिक्री का विरोध कर रहे मेडिकल एसोसिएशन का साथ देते हुए हिंगोली जिला व्यापारी महासंघ ने आज बंद का ऐलान किया था। उनके इस ऐलान के मद्देनजर बाजार पूरी तरह बंद रहा। यह बंद ऑनलाइन दवा बिक्री के साथ ही खुदरा बाजार में सीधे निवेश, वॉलमार्ट आदि बड़ी विदेशी कंपनियों का बाजार में प्रवेश का भी विरोध किया गया। आज सुबह से ही हिंगोली शहर के बाजार की सभी दुकानें, मेडिकल शॉप आदि शत प्रतिशत बंद रहे। व्यापारियों ने गांधी चौक में महात्मा गांधी की प्रतिमा को पुष्पहार अर्पण कर अपना आंदोलन शुरू किया। इस दौरान हिंगोली जिला व्यापारी महासंघ द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भी भेजा गया। व्यापारियों का कहना कि वैश्विक मंदी के चलते पहले ही बाजार बुरी तरह से प्रभावित है, उस पर विदेशी कंपनियों का भारतीय बाजार में प्रवेश देने से भारतीय व्यापार पूरी तरह ठप हो जाएगा। आंदोलन में महासंघ के जिलाध्यक्ष रमेश चंद बगाड़िया, सचिव सुभाष लदनिया, लक्ष्मी कांतराव गुंडेवार, दीपक साहूजी, श्याम सुंदर मुंद्रा, राधा वल्लभ काबरा, विजय हवलदार, सुनील मानका, द्वारका झम्मर और अशोक वासटवार आदि मौजूद थे। हिंगोली से राकेश भट्ट, खबरदार।